हेलो एवरीवन, मैं हूँ पुनीता और स्वागत है आपका मेरे किचन आज में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लीची का शरबत। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लीची का शरबत बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर चाहिए लीची। तो मैंने यहाँ पर 15 से 16 लीची ले ली हैं, तकरीबन ये 250 ग्राम के आसपास होगी। तो बस मैंने इनको धो लिया है और धोने के बाद अब हम इनके छिलकों को उतार लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और एक अलग बाउल में रखते जाएंगे। ये देखिए, बस इसी तरह से हम सारी लीची को छील लेंगे। तो ये देखिए, सारी लीची छिलकर तैयार हो गई हैं। अब लीची छीलने के बाद इसके अंदर जो बीज होते हैं उनको इस तरह से निकाल कर अलग कर लेंगे। बस इसी तरह से हम सारे सीड्स को अलग कर देंगे, और सीड्स को अलग करने के बाद हम लीची को थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि इसको ब्लेंड करने में आसानी हो। और अब लीची को छोटे पीसेज में काटने के बाद अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल लेंगे, ये देखिए। और मिक्सी के जार में डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून चीनी, और आधा छोटा चम्मच डाल देंगे हम काला नमक, और साथ ही मैंने लिया है 8 से 10 पुदीना के पत्ते, और आधा नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, बस नींबू निचोड़ने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। जो हमारी लीची थी, लीची का जो पल्प था वो भी 1 कप के करीब था। तो बस अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, अच्छे से ब्लेंड हो गई है सारी चीज़ें। अगर आपको लगे कि ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हुई है तो आप एक बार और मिक्सी को चला लें। तो अब ये देखिए, अब हम ढक्कन को खोल कर इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसको छान लेंगे। ये देखिए, गर्मियों के दिनों में लीची को सभी खाना पसंद करते हैं। यह न सिर्फ पाचन तंत्र को ठीक करता है बल्कि इसके कई और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। लीची एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक गुणों वाला होता है। लीची में विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, और इसमें फाइबर की मात्रा भरपूर होने के कारण यह पाचन तंत्र को भी ठीक करता है। तो ये देखिए फ्रेंड, सारा जूस छान लिया है, और अब हम लेंगे एक गिलास। गिलास में मैंने थोड़े से आइस क्यूब डाला है। आइस क्यूब के बाद हमने थोड़े से लीची के पल्प को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे, और उसके बाद हम पोर कर देंगे अपना जूस। ये देखिए, लीची के शरबत को मैंने गिलास में पोर कर दिया है, और इतनी सारी लीची से हमारे लगभग 2 गिलास बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जूस बनकर तैयार हो गया है। ये लीजिए गाइस, लीची का टेस्टी और न्यूट्रिशियस शरबत तैयार है। खुद भी पिए और परिवारजनों को भी पिलाएं और खूब मजे करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।